अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो ये भी अपन ने किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू होती है 6.2। और एक कौन है, एंट्री दे दो, कोई है वेटिंग में, ठीक है रुकना बेटा थोड़ा, चार एप्लीकेशन का क्लियर हो गया, ठीक है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन हो रहा था, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज इज कितना होता है, ये सबको याद होना चाहिए बेटा, मैंने करके भी दिखाया था, किसी को याद है कितना होता है? 6.25 × 10⁸, है ना। अगर याद नहीं आ रहा है तो इसको कर भी सकते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, तुम करना। वैसे ये पुराना 10th का CBSE का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करना चाहिए। तो इसको करते कैसे हैं, तुम घर पे करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, देख। वो एक फॉर्मूला है, Q = n × E, Q मतलब चार्ज, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है ना। तो Q मतलब है 1 कूलाम, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹¹। अब इसमें n निकालोगे तो आएगा Q/E, और इसको जब सॉल्व करोगे है ना, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो 6.25 × 10⁻¹¹, तो एक कूलाम चार्ज अगर चल रहा है, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना, इतने सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। तो ये हुए, फिर नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, थर्ड क्वेश्चन देखो। द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, अब उनके लिए मिनिमम थोड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, बहुत सरल क्वेश्चन है ना। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, कोई बताओ, ये 22 का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड 22 का, है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻¹¹। सही बेटा, प्लस ही जिसको बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो, प्रोटॉन के वजह से हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इतना ही रहेगा, प्लस 1.6 × 10⁻¹¹ और सिंपली 1.6 × 10⁻¹¹। ये हो गया सही क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए सर। वो फर्स्ट वाले में सी आएगा ना आंसर, ए में, क्योंकि प्लस 19 दिया है 10⁻¹। अच्छा अच्छा, हाँ बेटे, अरे रे, ये तो बहुत बड़ी, ठीक है ठीक है, एकदम सही बोला। अब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, सी वाली, सही बोला तुमने। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने देखा ना, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन था ये गलत था ना, इसको हटा देते हैं अपन। अपन ने सही, अपन ने मार्क किया तो सही ये वाला होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, 1.6 × 10⁻¹¹, ये माइनस है, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ये जो है प्लस 19 नहीं चलेगा, तो इसमें जो आंसर दिया था वो भी गलत था क्या, पहले का ए आंसर दिया है, अरे वो तो गलत ही है ना, तो ये गड़बड़ है, ये उनको गलत दिया, उनको देना था सी, सही होगा, ठीक है चलो। तो ये करेक्ट किया आपने, ऐसे ध्यान से बेटा पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस भी रेज करिए, तभी तो पढ़ने का फायदा है, पर ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस, चलती रहे। चलो अब आते हैं हम लोग, करेक्ट हो गया, वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज यहाँ पे है −1.6 × 10⁻¹¹, ये ही सही आंसर है, ये आंसर गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, +19 है इसलिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर इज, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सोचना, क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। तो किसी पॉइंट चार्ज से, अब वो डिस्कशन किसका हो रहा है, मैं तो हिंट दे रहा हूँ, तू थोड़ा सा गेस कर। किसी पॉइंट चार्ज से थोड़ा दूरी आर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम लोगों ने इसको देखा था। मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे थोड़ी दूरी आर पे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/4π ε₀ क्यू अपॉन ये दूरी आर का स्क्वायर। ये है उस फील्ड का फॉर्मूला,
मतलब यहाँ पे फील्ड डिस्चार्ज के कारण कितना है, तो अब उससे इसको आंसर निकालना है। तो ई आर के किस तरह से किस रेशियो पे डिपेंड करता है आपको ये बताना है। अब देखो बाकी चीजों को वो वेरी नहीं कर रहा है, अगर हम केवल आर के बारे में बात करें तो आर के और ई का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा सोचिए, बाकी सबको कॉन्स्टेंट कर दो। बी वाला, बाकी सबको कॉन्स्टेंट, सही एकदम सही। देखो अब तो आप क्या करें, बाकी सबको मान ले कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस से उसका क्या रिलेशन, तो बी का सही आंसर है। ये क्या आंसर हुआ, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है एकदम सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी। ठीक ठीक चलो ओके, ये भी हो गया। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम, अब देखो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू याद होनी चाहिए तो वो कितनी रहती है, वो रहती है देखो याद है वैल्यू और उसकी विथ यूनिट, सही यूनिट भी लगाना, देखो वैल्यू दो जगह देती है उसकी सही यूनिट भी याद है ना, तो उसकी सही वैल्यू है ये वाली विथ सही यूनिट 8.B वाली, ठीक 8.85 × 10⁻¹² मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा एक दो एडिशनल जानकारी रिकॉल भी हो जाएगी तुमको, रिवाइज भी हो जाएगी। देखो इप्सिलॉन नॉट जो होता है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एयर भी कह, एयर की वैल्यू थोड़ी अलग आती मिलती जुलती है, ठीक है फ्री स्पेस वैक्यूम एयर ये सब एक बात, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹², ठीक है और यूनिट, यूनिट कितनी होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी अगर थोड़ा रिकॉल कर लो तो तुमको याद आ जाएगा कि वहां पे हमने कैसे निकाली थी। देखो जो कूलाम का लॉ है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक ये है कूलाम का लॉ एयर के, एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 / r² / d² एफ क्या है फोर्स, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, Q1 Q2 दो चार्ज है, R उनके बीच की दूरी है, तो दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू ये है F1। तो अगर हम इप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफर कर दें इधर तो फार्मूला बन जाएगा 1/4πF Q1 Q2 / r². अब देखो इस फार्मूला लिखने का मतलब है कि अगर आप इसको कूलाम इंटू कूलाम कर दें तो ये बन गया कूलाम स्क्वायर, नीचे 4π की तो कोई यूनिट नहीं, F की यूनिट है न्यूटन, आर की यूनिट है, इस तरह से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं। और केवल यूनिट ही नहीं डायमेंशन फार्मूला भी बनाते हैं है ना, वो भी कभी भी पूछ सकते हैं लोग तो हमको बनेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है ये वाला हो गया पूरा, इसमें एक और चीज काम की रहती है, कई बार इसकी वैल्यू भी अलग से जरूरत पड़ती है, ये वैल्यू कितनी होती है 1/4π ε0 की वैल्यू कितनी रखते हैं यहाँ पे, याद आ रहा है किसी को थोड़ा सा, 9 × 10⁻¹⁹ हाँ सही बेटा एकदम सही है ना, ये जरूरत पड़ती है अपन को ये सब चीजें। हाँ इससे भी इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, देखो इससे भी तुम ये वाली वैल्यू निकाल पा रहे हो, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी ये नीचे आ गया और बना नीचे कितना बना 1/4π ×9 × 10⁻¹⁹ इसको भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए और वो आएगी, इससे कंफर्म भी कर सकते हो कि ठीक है हम कभी भूल रहे हैं तो अपना वर्क काम ऐसा अपन चेक क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका सही आंसर। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी थ्रू एन एंगल 180 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा टफर ग्रेड में जाएगा लेकिन अपन को बनना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं आपको पुरानी चीज रिकॉल करवा देता हूँ कि डायपोल को घुमाने में जो वर्क होता है उसका जनरल फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, बस फार्मूला काम का है उसमें डेरिवेशन काम का है। तो थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में जो वर्क होता है ना उसका फार्मूला होता है पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला याद रखना बेटा, इसमें कॉम्पिटिशन में भी बहुत क्वेश्चन कर रहा है ना घुमा फिर आगे छोड़ कर, अपने में तो बस इतना ही पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। तो सिक्स में उन्होंने पूछा क्या है, रोटेटिंग डायपोल ऑफ मोमेंट पी थ्रू एन एंगल 180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है, मैंने ड्रॉ किया, अब डायपोल शुरू में इसके पैरेलल में है ऐसा, तो थीटा वन जब पैरेलल में है तो थीटा वन हुआ, अब उसको 180 डिग्री तक पूरा घुमा दिया ऐसा, तो थीटा टू हो गया 180, पूरा 180 डिग्री घुमाया है ये, ऐसा घुमा के इतने में जितना वर्क हो वो बताना है। अब हम उसको टर्न करके और ऐसा करके, सो नाउ द डायपोल स्टार्टेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री सो दैट इट बिकम्स अपोजिट टू द फील्ड, इतना घुमा दिया उसको, इसमें कितना वर्क हुआ, तो ये है उसका फॉर्मूला, है ना, ये जनरल फार्मूला थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन की वैल्यू जीरो, थीटा टू की वैल्यू 180 रख दो, कितना आ रहा है देखते हैं, पी ई इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा टू, थीटा टू इज 180, फिर वैल्यू रखो पी ई इंटू कॉस जीरो इज वन, कॉस 180 इज माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे माइनस आएगा और फिर ये, तो ये आंसर हुआ 2P. देखो इसमें आंसर है 2PE, इसका आंसर दिया है फर्स्ट वाला, है ना, अपन मार्क कर लेते हैं फर्स्ट वाला इसका आंसर, ठीक बेटा, ओके चलो। फिर अब आते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन, है ना, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इसके दो डेरिवेशन हम लोगों ने किए हैं बेटा, तो उसको अपन रिकॉल कर, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक निकाला था एक्सियल पोजीशन में, एक निकाला था कोएक्सियल पोजीशन, दोनों के फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, है ना, डायपोल मतलब एक इस तरह का चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनता है, हम दो पोजीशंस को कंसिडर करते हैं, एक एक्सियल वाली यहाँ वाली, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, है ना, वो क्या होता है, वो होता है ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब या डी क्यूब, और एक यहाँ पे होता है, है ना, कोएक्सियल पोजीशन, ये क्या होता है 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, ये शॉर्ट डायपोल के लिए हमने दो फॉर्मूले, तो ये याद रखना कि एक्सियल पोजीशन वाला और कोएक्सियल पोजीशन वाले में डबल का अंतर है, इसमें देखो तो ये कांस्टेंट के साथ है पी अपॉन आर क्यूब और इसमें कांस्टेंट के साथ में है 2P अपॉन, मतलब कौन सा ज्यादा है, एक्सियल वाला डबल है कोएक्सियल वाले से, ठीक हो गया यहाँ तक, सही है, ये पूरा रिकॉल कर लिया अपन ने, वो दोनों डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट किए हैं वहां पे अलग अलग, है ना, तो वो जरूर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या आंसर होगा बेटा, सोचो कौन सा वाला इसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल डिपेंड्स ऑन आर एज, अब केवल आर के साथ उसका क्या रिलेशन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बस तो वो बताओ आप किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, कौन सी पावर, 1/r³। हाँ बेटा देखो, अब चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों केस में बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, केवल डिस्टेंस पे फोकस करें तो आर की थर्ड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो एक इम्पॉर्टेंट इन्फरेंस भी निकलता है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 1/r² और डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/r³, ये दोनों मैंने बता दिया आपको, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, डायपोल चाहे एक्सियल हो चाहे कोएक्सियल हो हमेशा आर क्यूब के इनवर्सल आता है, ठीक है, ओके। फिर एक होलो स्फीयर, अभी देखो दो दिन के लेक्चर्स बचे हैं, तो अगर हम उसको आठवें वाले को हम देखेंगे, अभी दो दिन का काम और बचा है, ठीक है। तो अब बेटा इसमें एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल कुछ लिखने हैं, है ना, वो प्रैक्टिकल जहाँ तक आज लिस्ट इवनिंग में मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप पे भी होगा, तो एक जो स्कूल का कॉमन ग्रुप है कुल 12 प्रैक्टिकल अपन को लिखने ले हैं अभी छुट्टियों में, जैसे कल से हम नहीं लगाएंगे क्लास, अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा, तो कल से लेकर है ना 12 मई से लेकर मे बी 22 मई तक मैं पूरा टूर पे रहूँगा बाहर, तो मैं इस बीच में क्लास बंद रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपको प्रैक्टिकल की लिस्ट आज इवनिंग में मैं दे दूँगा,
तो प्रैक्टिकल कुल कितने लिखने हैं, 12, 12 प्रैक्टिकल्स लिखते हैं। प्रैक्टिकल की फाइल खरीद लेना, दो ग्रुप हैं उसमें अपने फाइल में, एक सेक्शन ए है फिर दूसरा सेक्शन बी है, दोनों में से 6-6 का नंबर मैं बता दूंगा आपको, तो कुल 12 लिख लेना, तो वो तुम्हारा असाइनमेंट भी हो गया और वो फाइल 12th के एनुअल प्रैक्टिकल में सबमिट भी, तो वो तुम्हारा एक तरह से साल आखिरी साल के अंत की तैयारी भी हो गई कि वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और वो जमा भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपन जरूरी काम है वो भी कर लेना इस बीच में छुट्टियों में। तो मैं आज ग्रुप पे देखता हूँ, उनकी पूरी लिस्ट डाल दूंगा आपके भी और स्कूल के कॉमन पे भी, तो 12 प्रैक्टिकल अपन को लिखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 दिन का भी, तो ये चैप्टर पूरा हो रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में जो कि अभी अपन करेंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, देखो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर, एयर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर होता है ना, तो ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि किसी भी क्यू चार्ज से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आता है, तो 1/ε टाइम्स द चार्ज आता है ना। मतलब अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से कुल फ्लक्स वाई कितना निकलेगा, 1/ε टाइम्स द चार्ज, ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये अब इसमें हम लोग जो है, अब इसमें क्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हम क्यू की जगह 1 रख देंगे, तो ये हुआ 1, तो बचा कितना, बचा तो कुल फ्लक्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना बाहर आता है, इसकी वैल्यू है 1/ε0। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सरल है, ध्यान रखना है। तो ये हुआ, इसका आंसर हुआ बी, ये आंसर बी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज, ये मैंने बताया था, पुराना क्वेश्चन है बेटा, इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है ना, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल, किसी को याद आ रहा है, अपने डिस्कस किया है। हाँ बेटा, इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे एक 2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में, वो भी याद कर लेना, ये पुराने ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन वगैरह आप नहीं देख रहे हैं, अपन वैल्यूज पे बस कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेटल के लिए, ये लिख लेता हूँ मैं, मेटल के लिए इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक, एयर या वैक्यूम के लिए 1 आता है, ठीक, और एक 2 चीजें याद रख लो, वाटर के लिए मैंने बताया था जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी काफी ज्यादा आती है ना, वो 80 होती है, तो ये 3-4 वैल्यूज अपन को याद, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात है, याद रखना, इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो ये सब सेम चीज है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, एक कांस्टेंट है रिलेटिव परमिटिविटी। मेटल का इनफाइनाइट, एयर और वैक्यूम का 1 और वाटर का 80, ये 3 वैल्यूज याद रख लेना, ओके। तो अब हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, इसका सही आंसर बना ए, ये हमने यहाँ पे डाल। चलो नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चलो अच्छा क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या बनेगा, है ना। तो कोई एक जन को याद आ रहा है, बताओ भाई, किसी को याद आ रहा है तो, डाइपोल मोमेंट किसी को याद आ रहा है, पी, डायपोल मोमेंट इज पी। कोई भी एक डायपोल है, उसमें इस तरह से 2 चार्ज रहते हैं और उनके बीच में कुछ दूरी रहती है, तो जो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है वो होता है 1 ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसका यूनिट अब बता सकते हैं, कौन बताएगा, ट्राई करो, क्या बनेगा, कूलम मीटर। हाँ हाँ सही बेटा, एकदम सही, डायमेंशन बना लो, डायमेंशन फार्मूला भी बना लेना, ये एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें ऑब्जेक्टिव एक ना एक रखा रखा है घुमा फिरा के, छोटा मोटा न्यूमेरिकल। तो इसका ये बना कूलम इनटू मीटर, इसका डायमेंशन फार्मूला बना लेना, इसका ये वैक्टर है, डायरेक्शन याद रखना,
ठीक, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई जरूर याद रखना, इसकी छोटी मोटी डेफिनेशन। तो इसकी यूनिट बनी गुलाम इनटू मीटर। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, किसी फील्ड ई में अगर चार्ज क्यू को रख दें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सोचो बेटा, फोर्स किसी फील्ड में चार्ज रखोगे तो फोर्स लगेगा। ठीक, अब फील्ड कितना है ई, उसमें चार्ज रख दिया क्यू तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगने लगेगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, फील्ड इज ई, ई फील्ड है, यहाँ पे हमने क्यू ही चार्ज रख दिया मान लो प्लस, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, वो जो है प्लस क्यू जो चार्ज है वो फील्ड के इस तरफ फोर्स फील करेगा। तो ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू याद रखना बेटा, वो होता है क्यू इंटू ई, है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये एक्चुअली डेफिनेशन से ही आया है, ई को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है ई, तो एफ इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करो तो क्या बन, क्यू इंटू ई, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। उसका आंसर हुआ सी। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा बोर्ड के पुराने और इस साल की है ये 23 के, लेकिन आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड और पुराने, है ना। तो इसका आंसर हुआ एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, अब इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अब जैसे मैं कह दूं आपको कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कह देते हैं 3 न्यूटन पर कूलाम, इसमें 5 कूलाम का चार्ज रख दिया तो ये हुआ क्यू। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो अपन को बनना चाहिए, एफ इज इक्वल टू हुआ क्यू इंटू ई, दैट इज 5 × 3, 15 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो इस तरह से बता सकते हैं। एक चीज और, प्लस चार्ज जो है हमेशा फील्ड के अलोंग फोर्स फील करता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फील्ड के उल्टा फोर्स फील करता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर भागेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा। ठीक, ये हमने देख लिया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 13 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, उसका क्या यूनिट होता है? देखो जरा इससे निकल, हाँ बेटे सही, देखो इस फॉर्मूले से दिख रहा है, मैंने ई का फॉर्मूला लिखा है डेफिनेशन वाला, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो इसकी यूनिट बन गई, एफ की यूनिट फोर्स की यूनिट है न्यूटन और क्यू की यूनिट है कूलाम, तो यहाँ से बन गई, है ना। और डेफिनेशन भी यही है, चार्ज एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव, फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट चार्ज, तो ये बना न्यूटन अपॉन कूलाम। तो एन अपॉन सी, एन स्लैश सी, एन सी माइनस वन, डायमेंशन फार्मूला भी देख लेना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर मिला न्यूटन पर कूलाम। ठीक, चलो नेक्स्ट। फिर है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। अब देखो इस तरह क्वेश्चन बीच बीच में बता रहे हैं, वो 19 में आ गया है, बहुत बेसिक है बेटा, है ना, याद होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्या आंसर होगा सोचो, किसी को याद आ रहा है? अपन ने बोला है शुरू में ही, है ना, किसी को याद आ रहा है? नीचे आंसर भी दिए हैं, हाँ 80 सही है बेटे, है ना। तो एक्चुअली ये बना कैसे ये भी देख लो तो थोड़ा और अच्छा रहता है। वैसे 80 इज करेक्ट आंसर, याद होना चाहिए बिल्कुल, एकदम खट से बोलना है क्यू इज इक्वल टू 80। मैंने लिखा है बना कैसे, एक्चुअली ये बना है करेंट के पर्पज से, करेंट आई इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट का यूनिट तो उन्होंने एम्पियर मान लिया, चार्ज का यूनिट कूलाम बोला है, तो उसको रहन देते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नीचे टाइम को टी लिखते हैं हम लोग, तो ये बना क्यू इज इक्वल टू टी। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया, अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, टू लाइक चार्जेस, कई बार वो बहुत सरल दे देते हैं वैसा ही क्वेश्चन, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। ठीक है, ये भी सही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सिंपल। एक और रिपीटेड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हमने डिस्कस किया, वो था न्यूटन पर कूलाम। ठीक, लेकिन दूसरा यूनिट भी याद रख लेना, वो भी मैंने बताया था आपको, नोट करवाया था, दैट इज वोल्ट पर मीटर।
तो दो बेसिक क्वेश्चन है यूनिट है ना, ये बहुत पॉपुलर है और ये भी जहाँ हायर लेवल के फील्ड का डिस्कशन होगा तो वहाँ पे ये वाला वोल्ट पर मीटर, और दोनों इक्वल है, हम आगे जाके देखेंगे ये तो वही बन जाएगा, वोल्ट को जब बेसिक यूनिट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा है ना। लेकिन अपन को जब पूछते हैं तो जानना चाहिए कि भाई ठीक है दो यूनिट पॉपुलर हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो फर्स्ट वन इज न्यूटन पर कूलाम और हायर लेवल पे हायर साइंसेस में वोल्ट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन आइडियल डायपोल, जो आइडियल डायपोल है ना उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा लेते हैं वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज बोलते हैं उसको है ना, उसकी लेंथ लेते हैं जीरो। तो याद रख लेना आइडियल डायपोल का साइज पॉइंट साइज होता है फॉर आइडियल डायपोल, ठीक। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, उसकी लेंथ कितनी है जीरो, आइडियली जो होता है उसकी लेंथ टेंड्स टू जीरो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वही चीज है ना, उसकी लेंथ जीरो की तरफ टेंड करती है, और छोटा और छोटा। अब ये कैसे हो सकता है आइडियल डायपोल अगर इमेजिन करें तो, अब ये ऐसा हो गया कि जैसे अब सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में है, बहुत कम एंगस्ट्रॉम में या उससे भी कम आयंस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये एक डायपोल बन, इनके बीच की दूरी बहुत कम है मॉलिक्यूलर साइज, तो आइडियल डायपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत कम, आइडियली जीरो होनी चाहिए, उसकी साइज कैसी रहती है पॉइंट साइज की, ये याद रखना सब अच्छे से है ना, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला, बना सकते हैं हम लोग बहुत ईजिली, अभी अभी हमने फार्मूला देखा था फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाले में ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओवर साइज, अब ये पांचवा छूट गया था मैं बेटा आप कर रहा हूँ ध्यान से देखना, पांचवा डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ऊपर है फोर्स नीचे है चार्ज, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, नीचे चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अभी अभी हमने देखा ए टी, इसको सॉल्व कर लो ठीक है, एम एल टी ऊपर माइनस दो नीचे से एक और चला गया गया माइनस तीन, ए को भी ऊपर ले गए माइनस वन, ये देखो बन गया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक। कई बार क्या बुक्स में कहीं कहीं मिसप्रिंट भी है तो आपको बना के चेक भी करना है ना, बुक्स में कई जगहों पर मिसप्रिंट है, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर सेवन, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस एल, इट्स डायपोल मोमेंट विल, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन थी वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, अब उन्होंने डिस्टेंस को 2L ना बोल के L बोल दिया जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही ले लेना है ना। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा क्या है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन है वन ऑफ द चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन, तो वन ऑफ द चार्जेस इज क्यू और डिस्टेंस हियर इज एल, तो डायपोल मोमेंट विल बी टू एल, बहुत ठीक। ओके फिर क्वेश्चन नंबर एट, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल ऑफ डायपोल पी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा अपन देखते हैं बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी अपन किया था है ना, उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। होता क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने ऐसे बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना दिया, इसमें एक ऐसा डायपोल यहाँ पे रख रहे हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है एक प्लस क्यू चार्ज, तो ये डायपोल जो है इसके पैरेलल जाने की कोशिश करता है, इसके ऊपर एक कपल एक्ट करने लगता है जिसका टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाला था पी क्रॉस ई है ना, और हमने इसको पी ई साइन थीटा लिखा था, थीटा ये वाला एंगल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो वैल्यू ये सब वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, उसी में से एक स्पेशल केस पूछ रहे हैं वो है ना, पी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और कितनी हो, दोनों के दोनों आप समझ लीजिए, तो जब थीटा 90 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी ये वाले पार्ट, देन यू आर लेफ्ट विथ पी ई, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पी ई साइन 90 दैट इज पी इंटू ई,
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो हमने इसको ले लिया, ये सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे वो अपनी स्क्रीन घूम जाती, पता नहीं क्या हो जाता, उठना बेटा थोड़ा स्क्रीन सीधा कर लो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, अब ये दो ही तरह की क्वांटिटी का डिस्कशन होता है, स्केलर है कि वेक्टर। तो अभी भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन का ओरिएंटेशन भी याद रखना, इस साल शायद उन्होंने पूछ लिया था, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक होता है, एक नंबर या दो नंबर में डेफिनेशन और डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। तो ये है पी का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन एसआई सिस्टम, परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, देखो अभी भी हमने डिस्कस किया था बेटा, है ना, वही आंसर है। क्या आंसर है? कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर अब इसके बाद लास्ट 11th नंबर, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ट्रू ओनली फॉर दोज पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कूलम्स लॉ है वो चार्जेस रेस्ट पे रखे हैं और पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान रखना दो तरह के चार्जेस के लिए ये वैलिड है। तो किसके किसके लिए वैलिड है कूलम्स लॉ, मैं लिख रहा हूँ, दो पॉइंट, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, बहुत छोटे चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरा क्या है, चार्जेस एट रेस्ट के लिए वैलिड, मतलब मूविंग चार्जेस पे नहीं लगाते हैं, ना? तो ये दो पॉइंट अपन को समझने हैं, तो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट अपन को सीखने को मिल गया, तो ये हमने इस तरह से इसको कर दिया। ठीक बेटा, ओके, तो यहाँ पे अब जो है ये हम लोग इसको क्लोज करते हैं आज। ठीक है बेटा, इतना कर लिया, तो अब इसके बाद हम लोग मोस्ट प्रॉबली 22 तारीख या 23 जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है अपन को, कब करना है, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो क्लोज करें बेटा, चलो क्लोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है।